सुबह फिर कभी कभी कोर्ट के सामने मौजूद करेंगे आप अरे हम नहीं लड़ सकते चुनाव चले जाओगे फिर क्या बात करते हो आप ऐसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप ऐसे बात नहीं कर सकते नहीं कर सकते नहीं कर सकते नगर परिषद के और ये जो अधिकारी हैं क्या ऊपर से टपक के आते हैं क्या रोड पे नहीं चलते क्या ये लोग कौन इकट्ठा हो जाए कैसे इंसाफ मांग लेगा यहाँ पे तो अब राजेंद्र गोड़ा सबको इंसाफ दिलाएंगे बैठा हो ना यहाँ पे आप लोग बैठे हुए समुदाय विशेष को सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है सबके अंदर योगी बनने का चाव चढ़ रहा है फलाना पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया और फलाना जिंदाबाद बोल दिया पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना गैर कानूनी है गैर संवैधानिक है क्या नमस्कार मित्रों मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज 167 और इस समय हम हैं झुंझुनू में कलेक्ट्रेट के सामने और आज के दिन यहां पर राजेंद्र गुढ़ा का धरना प्रदर्शन है राजेंद्र गुढ़ा का यहां पर धरना प्रदर्शन है और जिसका टॉपिक यह है कि यहां पर जो पुलिस है उनका ऐसा आरोप है कि वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है निर्दोष लोगों पर कार्रवाई कर रही है उन्हें उठाया जा रहा है परेशान किया जा रहा है विशेषकर ये लोग मुस्लिम वर्ग से संबंधित हैं तो इसके विरोध के लिए कलेक्ट्रेट पर आज यहाँ पर राजेंद्र गुढ़ा का धरना प्रदर्शन है और जैसा कि कल की रात अपन देख चुके हैं कि काफ़ी बवाल मचा था और अतिक्रमण को हटाने के लिए जब चुरू रोड पर यहाँ की सभापति हैं नगमा बानो ऐसा कहा जा रहा था कि शायद उनका जो घर है वो सड़क के किनारे है और अतिक्रमण पर बना हुआ है जब उसको हटाने के लिए पुलिस प्रशासन आती है तो उसमें राजेंद्र गुढ़ा की और पुलिस वालों की बहुत तीखी नोकझोंक होती है जिसका वीडियो आप सबने देख रखा होगा दोनों तरफ से काफ़ी तीखी बहसबाजी होती है कुछ हाथापाई की भी नौबत आ जाती है पुलिस वालों द्वारा और लोगों के द्वारा दोनों को एक दूसरे से अलग किया जाता है और दोनों तरफ से हुर 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 काफ़ी होता है तो वो सब चीज़ें आप लोग देख चुके होंगे और उसके बाद आज अगले दिन यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन होने वाला है राजेंद्र गुढ़ा का तो कल रात का ये जो सारा हंगामा हुआ था ये नगर परिषद की सभापति हैं नगमा बानो जी उनकी बिल्डिंग को लेकर के हुआ था जो चुरू रोड पर है अब इसमें दोनों तरफ की बातें हैं इन लोगों का जो राजेंद्र गुढ़ा के साइड है कहना है कि ये टारगेटेड कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर वरना जिस जगह पर वो भवन बना हुआ है उसके आसपास और भी कई भवन बने हुए हैं और इसलिए हम ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे ख़ासतौर पर वो मुस्लिम वर्ग से संबंधित हैं और बताया जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग है ये नगमा जी के ससुर की बिल्डिंग है और इस समय सुबह के लगभग 11:30 बज रहे हैं और झुंझुनू में ये जिला कलेक्ट्रेट के सामने यहाँ पर ये लोगों का आना जमा होना शुरू हो गया है काफ़ी भीड़ धीरे धीरे आ रही है बढ़ती जा रही है राजेंद्र गुढ़ा हैं शिवम गुढ़ा हैं यहाँ से मुस्लिमों के कद्दावर नेता हैं और इब्राहिम जी हैं इम्तियाज जी हैं ये सारे लोग भी यहाँ पर धीरे धीरे आने वाले हैं और यहाँ पर ही बहुत से लोग बैठे हुए हैं आइए इनसे बात करते हैं हाँ तो सर जी आज ये यहाँ पर क्या हो रहा है क्यों आप लोग इकट्ठे हुए आपका नाम मेरा नाम तौफिक पठान है अच्छा कहाँ से हैं आप झुंझुनू से ही हूँ झुंझुनू क्या है कि साहब हमारे एक बंदे को कोतवाली में बंद कर रखा है नाजायज उस पर मुकदमा लगा दिया कि दाऊद उसका पड़ोसी था अब सिर्फ पड़ोसी लड़ लेते हैं तो क्या वो उसके राजकार्य बांधे मुकदमा लगा देंगे प्रशासन उनके बल का हो रहा है मतलब दो पड़ोसियों के आपस की बात थी तो प्रशासन आप लोगों को ऐसा लग रहा है एक का पक्ष ले रहा है उसका पक्ष ले रहे सिर्फ गिरदावर का पक्ष ले रहे हैं वो अच्छा एक गिरदावर है हाँ गिरदावर दूसरा हमारा बड़ा भाई सलीम है गिरदावर और डाल रखा हाँ झगड़ा होता पड़ोसी दोनों हुए सलीम को अंदर हाँ पड़ोसी है किसी बच्चे के लेने में लफड़ा हो गया और राजकार्य बांधा आप लोग थानेदार वगैरह के पास गए नहीं क्या सबके पास आए 151 यहाँ एसडीएम के पेश कर दिया जमान दे दी जमान देने के बाद तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया उससे 8-10 दिन पहले हमारे बंदे को पीपल चौक में झगड़ा हो गया आपके भाई का मामला है हाँ अच्छा जैसे आप लोग तो यहाँ मतलब कांग्रेस के इतने सालों से निष्ठावान वोटर रहे हैं ये हैं तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आप राजेंद्र गुढ़ा के पास में आए आप वहाँ नहीं जाते क्या ओला जी के नहीं जाएंगे ओला जी सुनते ही नहीं है किसी की वो तो सिर्फ अपने वालों की सुनते हैं बाकी कोई भी सुनते भी नहीं है वो तो ये कह रहे हैं भाई मुस्लिम और हमारा तो गठबंधन काम करता है अपनी जाति का वो आप लोग तो सर 75 साल से उन्हीं को दे दिए वोट दे दिए नहीं तो देते वोट भी नहीं तो मुसलमानों में ओला जी को लेकर कुछ असंतोष है क्या हाँ बिल्कुल साहब अभी जैसे चौबदार साहब ने भी सभा की थी और उन्होंने भी कहा है कि हमको टिकट अगर हमारे मुसलमान को टिकट मिलेंगे तो हम एक साथ में उसको वोट देंगे
अगर मुसलमान को टिकट नहीं देगी तो हम कांग्रेस को किसी हाल में वोट नहीं देंगे। फिर हम खुल के गुड्डा जी के साथ में, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम लोग इतने लंबे समय से साथ हैं इतनी निष्ठा के साथ, लेकिन उसके बाद भी आप ही लोगों की हम क्या किया उसने बताओ ना, आप एक भी काम गिना दो। आप विजेंद्र ने काम क्या किया है, सिर्फ अपनी जाति के अलावा उसने किसी का काम ही नहीं किया है। वोट तो सर आप ही लोग दे दिया उसे, ठीक है बेटे में माने कांग्रेस निकली थी और कुछ। आप लोगों को क्या लगता है कि राजेंद्र गोड़ा आपकी सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, वो आज 12 महीने से शहर में काम कर रहे हैं, जो काम वो नहीं करता है वो करता है। आप लोगों की सुनवाई होगी? बिल्कुल होगी। इस बार वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं मिलता है हक छीना जाता है और हक छीन के लेंगे हम। अब तो इस बार वो यहाँ से जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, तो आप लोग समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में साहब। सर आप लोग ओला जी को नहीं देंगे? नहीं देंगे बिल्कुल भी। और भी आप लोग? तो हमारे साथ में है शिवम गुड़ा, राजेंद्र गुड़ा जी के पुत्र हैं ये। आइए इनसे इस मामले की जानकारी लेते हैं। सर क्या मामला है, क्या धरना प्रदर्शन चल रहा है? देखिए कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा और थाना अध्यक्ष थानदार साहब के द्वारा जो बदमाशी लगभग इनके यहाँ पोस्टिंग होने के बाद रेगुलर करी जा रही है, किस तरह की? जैसे छोटे मोटे झगड़े, आपसी झगड़े के अंदर, और जिसके अंदर आप मानिएगा कि हिरासत में लेने की तक की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे मामलों के अंदर ये राजकार्य बाधा जैसे आपराधिक मुकदमे लगा रहे हैं आम आदमी के ऊपर। और उसके बाद में कई मामले हो गए, थानेदार साहब की तो बीपी हो जाती है बात बात पे। कल हम सभी वहाँ इकट्ठा थे, कल रात का क्या मामला? कल रात का सब मामला ये है कि सभापति महोदय जो है नगमा बानो जी उनकी कॉम्प्लेक्स का वो कॉम्प्लेक्स वो पूरा तैयार हो गया और उसके बाद में उसको अवैध निर्माण बताकर और तोड़ने आ गए। तो ये तो पूरी मेरे हिसाब से मंडा, तो कॉम्प्लेक्स सर अवैध होगा तभी तो शासन की कार्रवाई हो रही होगी, पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो हुई होगी उसके बाद ही तो। आप मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जब ये कॉम्प्लेक्स की नींव खुदी थी, जब इसकी नींव भर रही थी, जब इसका पहला फ्लोर उसकी फाउंडेशन तैयारी हुई होगी, सरिये पड़े होंगे और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर तैयार हुआ होगा, फिर सेकंड तैयार हुआ होगा, फिर थर्ड तैयार, तब कार्रवाई क्यों नहीं की? तब क्यों नहीं की? सर बहुत सी बिल्डिंगें ऐसी हैं, नहीं ध्यान में आता है बन जाता है, लेकिन कार्रवाई तो फिर बाद में होती है। बन जाता है जो ये जो नगर परिषद के और ये जो अधिकारी हैं, क्या ऊपर से टपक के आते हैं क्या? रोड पर नहीं चलते क्या ये लोग? देख नहीं सकते क्या ये लोग? तो आपका कहना ये है कि मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग है उसी पे टारगेटेड कार्रवाई हो रही है, आसपास भी वैसी उन पे नहीं हो रही? आपको लिस्ट बना के दूं अवैध निर्माणों की यहाँ पे उसी मोहल्ले की, हर पूरे झुंझुनू की। अच्छा, अवैध निर्माण के ऊपर ही अगर एक लोग कार्रवाई करते हैं तो सड़क के आगे से तोड़ते तोड़ते लाओ, कहाँ दिक्कत आ रही है? करो पूरा अतिक्रमण साहब। मतलब आपका कहना वर्ग विशेष के विरुद्ध टारगेटेड कार्रवाई 100% कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। ये खुद इजाजत नहीं देते क्या? ये जब निर्माण की परमिशन देते हैं, जब एक लैंड कन्वर्सेशन करते हैं, रिहायशी कमर्शियल लैंड की कन्वर्सेशन कैसे कर देते हैं बिना ये अवैध होते हैं निर्माण सारे? तब सीधी सी बात यह है कि ऐसा आप मान रहे हैं कि वो मुस्लिम वर्ग से इस वजह से हो रही है या कोई दूसरी बात? 100% ही नहीं कर रहे क्या? आप मेरे को एक बात बताइए, क्या नाम है उनका? नगमा मानो नहीं, जो रात को ये जो अधिकारी तोड़ने आए थे, अनिता खिचड़ जी, वो जब उनका ट्रांसफर हो गया, वो रिलीव हो गई, तो उसी दिन कैसे बदमाशी करने आ रही है ये? मतलब आपका मानना है कि सरकार बदलने के बाद ये सब शुरू हो रहा है? 4 साल से यही थी, उनका ट्रांसफर हो गया, वो रिलीव हो गई और उसके बाद में बुलडोजर लेके आ गए, तो किसका प्रेशर है? नहीं, पिछले 10 महीने से सर झुंझुनू में जितने भी मामले आ रहे हैं आप लोगों के साथ आ रहे हैं, जनरली वो वर्ग विशेष से ही संबंधित है। माजरा वो नहीं है, माजरा ये है कि आवाज़ उठाए तो कैसे उठाएं, इकट्ठा तो नहीं होने देते। आप एक चीज सोचिए, दो आपस में एक झगड़ा हो गया छोटा सा, उस पर तो राजकार्य बाधा का मुकदमा लग रहा है, कौन इकट्ठा हो जाएगा, कैसे इंसाफ मांग लेगा यहाँ पे? तो अब राजेंद्र गोड़ा सबको इंसाफ दिलाएंगे, बैठा हो ना यहाँ पे। अच्छा, आप लोग बैठे हुए हैं, आप उनके साथ किस तरीके से ये क्या कर रहे हो? देखिए सलीम को नाजायज रूप से राजकार्य बाधा की धारा लगा के और उसको कोतवाली थाना इंचार्ज ने साफ साफ, यदि इसमें झूठ हो, मैं बोल रहा ये झूठ हो, सदा सदा के लिए राजनीति छोड़ के घर चला जाऊंगा, सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं घर में, पड़ोस में छोटी सी बात को, और उसको राजकार्य बाधा कहां से आ गई? क्या कर दिया तहसीलदार ने, क्या कर दिया थानेदार ने, पीपली चौक पर क्या नहीं हुआ, घरों पर हमले कर रहे हैं, गाड़ियां घुमा रहे हैं, उन्हीं को मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, उन्हीं को बंद कर रहे हैं, शांति भंग के अंदर एक को पर, अरे शांति तो दो से भंग होती होगी, जब शांति भंग की तो गिरदावड़ को भी बंद करते, उनको बंद करते, रात को घर में रह रहे थे, एक को बंद कर दिया आपने, फिर उसको अंदर जेल में डाल दिया। इस तरीके से आप किसी को टारगेट बना रहे हो, नहीं चलेगा ये। आगे क्या लगता है?
समुदाय विशेष को सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है और ये कल्चर चल गया। सबके अंदर योगी बनने का चाव चढ़ रहा है, तो सिर के बाल कटवा लो, ऐसे होता है क्या? सारों में होड़ मच रही है। क्या किया इन्होंने रात को जाके वहां? कुछ एक सम्मानित इज्जत आदमी है, इज्जतदार आदमी है, उसके किस तरीके से उनका टाइम खराब किया, किस तरीके बर्बाद कर दिया, सबको झगड़े की स्थिति बना दी। पिपली चौक पर क्या नहीं किया? और वो मेरे पास नाबालिग बच्ची है माइनॉरिटी की, जिसके साथ बलात्कार हुआ है, उठा के ले गए, उसका मेडिकल ही नहीं करवाया। ऐसे चलेगा क्या? यदि हम किसी धर्म विशेष को, ये राजस्थान, ये शेखावाटी, सभी जाति धर्म के लोग साथ साथ भाई की तरह रहते हैं, ये हमारा कल्चर है, शताब्दियों से रह रहे हैं, इसको इस ताने बाने को हम किसी को नहीं तोड़ने देंगे। दो करोड़ के नौकर तो नौकरी करने वाले इस ताने बाने को कैसे तोड़ देंगे, जिनको पॉलिटिकल फायदा अपनी ले राजनीति करे। राजनीति करने का मतलब ये थोड़ी है। सर, इस धरने की क्या रणनीति रहेगी आगे का धरना? देखिए, हम लड़ाई लड़ रहे हैं और या तो हमारी बात इस मामले के अंदर सीधा सीधा आप जांच करवाइए कि यदि किस जगह राजकार्य बाधा हो गई। रात को 11 बजे कौन सा बोले, वो डेड बॉडी का सा मामला है, कोई किसी ने लाश रख रखी थी, उसको बेचारे को लेना देना नहीं, पता ही नहीं है। अरे इस कोतवाली थाने के तो मेरे पास कच्चे चिट्ठे और पड़े हैं, मैं बताऊंगा इनको किस तरीके से झूठे लोगों को जेल में ठूंस रहेगा। जीपीएस लगी हुई थी इस गाड़ी के अंदर, एक गाड़ी, और उनका फर्जी मुकदमा लगा के उनको अंदर डाल दिया। और उस गाड़ी को कहां से बताया, कहां कहां गया गाड़ी को, सारा रिकॉर्ड है, पता चलेगा इनको। बार बार ऐसी घटनी दोहराने को मिले सर, क्या कारण है? देखिए मैं आपको बताऊं, न तो बेचारे नौकरी मांग रहे, न आपसे लोन मांग रहे, न आपसे फैक्ट्री मांग रहे, न आपसे मांग क्या रहे हैं, क्यों पीछे पड़े हो इनके? कोई आदमी कहीं से अपना घर बना रहा, उसको तोड़ने के लिए चले गए? ये चौबे जी छब्बे जी बनने के लिए, दूबे जी बन जाए तो रह जाए तो मुझे बता देना। अरे तहसीलदार है, क्या कर रहे हो? एक ही जाति के लोग रहेंगे क्या? मंडाव में नाबालिग के साथ बलात्कार किसने किया, किसने किया? सलीम के सामने तहसीलदार कौन है, गिरदावड़ कौन है, किसने इसको अंदर डाल दिया? पीपली चौक पर बदमाशी किसने की? कौन है करने वाले? इस्लामपुर अमीन पठान को, अमीन मनवार जो सरपंच है, उसको क्यों परेशान कर रहे हो? वो इस टेस्ट ले रहे हैं, फलाना पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया और फलाना जिंदाबाद बोल दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है क्या? गदर पिक्चर में सनी देओल पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों बोल रहा, वो मूवी सैंक्शन कैसे होगी? क्या पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना इलीगल है क्या? बेचारा बोल भी नहीं रहा, मुंह में ठूस रहे हो जबरदस्ती। जाति एक धर्म विशेष को तो टारगेट आप कर रहे हो। 36 कौम की बात करता हूं, रेबारी समाज, डेढ़ महीने से बच्चे घर में बैठे हैं, नहीं निकलने दे रहा, कतान का रास्ता बंद कर रखा, किसने बंद कर रखा है? दोरासर में नाई को किसने घर में ले जाके पीटा, फिर नाई को बंद कर दिया? तोगड़ा खुद के अंदर रमेश मीणा की वाइफ को कौन परेशान कर रहा है? थाने में मुकदमा कार्रवाई क्यों नहीं की? करने वाले सारे एक ही क्यों है? जिसके साथ बदमाशी हो रही, किसके साथ बदमाशी, करने वाले सारे जाट क्यों है? सारी बदमाशी एक ही जगह से हो रही है, क्यों हो रही है? ऐसी घटना ये गांधीवादी तरीके से हम लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से संविधान में हमें अधिकार दिया कि हमारी बात रखे, आप तक पहुंचा रहे हैं, उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, ये हमारा तरीका है। यार उनको कोई वर्दी उतार के लड़ो ना, आगे धरना दो, प्रदर्शन करो और कपटी कपटी करो, कहाँ दिक्कत आ रही है? तो उतारो ना तो वर्दी बाण भाया मारोगे ना मेरा पड़ेगा। Thank you.